ये है सैमसंग कंपनी का EVO Plus 128GB Class 10 MicroSD कार्ड। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कार्ड के फीचर्स क्या हैं और आपको ये कब खरीदना चाहिए और क्यों खरीदना चाहिए। देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और ये है सैमसंग EVO Plus 128GB MicroSD कार्ड। इसका जो रीड स्पीड है वो है 100 MB/s, राइट स्पीड 90 MB/s। क्लास 10 ग्रेड 3 MicroSD कार्ड है, मतलब कि इसमें आप 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। बहुत सारे डिवाइसेस 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं, तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये SDXC कार्ड है और साथ में आपको SD कार्ड अडैप्टर भी मिलता है। ये MicroSD कार्ड मैंने अमेजोन से ख़रीदा है, मुझे पड़ा तकरीबन 3,700 रुपये के आसपास। ये वाटर, मैग्नेटिक, टेम्परेचर और एक्सरे प्रूफ है, 10 साल की लिमिटेड वारंटी के साथ में आता है। ये कार्ड को आप बहुत सारे डिवाइसेस के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर के साथ में, लैपटॉप्स के साथ में, मोबाइल्स में या फिर कैमराज में। SD अडैप्टर भी दिया गया है, तो ज़्यादा करके वो कैमराज में काम आ जाता है। इस पैकेट को मैं खोल देता हूँ और देख सकते हैं कि अंदर एक MicroSD कार्ड है 128GB की कैपेसिटी के साथ में, और उसके साथ में एक SD कार्ड अडैप्टर भी दिया गया है। तो इसे मैं खोल देता हूँ। ये देखिए, दो चीज़ें हैं, ये है अडैप्टर और साथ में आपको मिलता है MicroSD कार्ड। ज़्यादा करके MicroSD कार्ड आप डायरेक्टली अपने स्मार्टफोन के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये जो SD कार्ड अडैप्टर है इसे आप ज़्यादा करके अपने कैमराज में इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में लैपटॉप्स या कंप्यूटर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा स्लॉट दिया गया है और उसमें आपको ये MicroSD कार्ड को डालना है, बस इतना ही, और बाद में ये अडैप्टर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपके कंप्यूटर्स में या फिर कैमराज में। जब कभी आप MicroSD कार्ड खरीदते हैं तो जो स्पीड है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। वैसे बहुत सारे MicroSD कार्ड आपको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएंगे बहुत ही सस्ते दाम में और बहुत ही हाई कैपेसिटी के साथ में, लेकिन उनका जो स्पीड है बहुत ही कम रहता है। तो स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब कभी आप MicroSD कार्ड खरीदने का सोच रहे हैं। अब ये MicroSD कार्ड मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए तो नहीं खरीदा है, लेकिन इसे मैं एक ऐसे डिवाइस में इस्तेमाल करने वाला हूँ जिसका रिव्यू जल्द ही आने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस होगा, इसलिए अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी एनेबल कर दीजिए। और जहाँ तक इस MicroSD कार्ड का सवाल है, इसे आप अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं, उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखते रहिए।